मेरा पूरा हकीकत और ऐसी पर आवेदन के बाद हम लेखपाल साहब और कानून दोस्त साहब से रिपोर्ट लगवा करके हमारी फाइल चली गई। जब फाइल चली गई हम इनके पास गए, वे बोले कि हम कहे अपना हमारा फाइल आगे बढ़ा दीजिए, तो नायब साहब पास, सरदार साहब पास, बोले कि नहीं ऐसी फाइल नहीं जाती है, उसमें कुछ पैसा लगता है। हम कहा कितना पैसा लगेगा, कहें नायब साहब और तहसीलदार साहब का 20,000 रुपये आप दे दीजिए और हम फाइल उनके नाम से पैसा ले लिए और उसके बाद फिर गए आपके फाइल पड़ जाएगा। हम उनको पैसा नहीं देना चाह रहे हैं क्योंकि ये न्याय के खिलाफ है, इसलिए हम बनारस भ्रष्टाचार उपाधीक्षक के यहाँ शिकायत किए, वो लोग कैदी में आप पैसा हम लोगों के सामने दीजिए, हम जो टीम आई हुई थी हम उनके सामने पैसा हाथ में दिए और जिसमें हमारे हाथ में पाउडर लगा हुआ है और 2,000 रुपए नोट है उसमें पाउडर लगा हुआ है और इनको दिए इनके हाथ में पाउडर लगा हुआ है और उसके बाद जो सर आए हुए थे उनके हाथ में पाउडर लगा हुआ था और सबका हाथ धुलाया गया और उनका संकलन किया गया और जो कि इनके हाथ में पैसा दिया। सर ने कहा कि आप अपने हाथ से पकड़ लीजिए, बल्कि वहाँ पे भी यही कहा सर मैं अपने हाथ से नहीं छोड़ूंगा और मैं उनकी बात में जरा सा भी सच्चाई नहीं कि मैं इनसे पैसा मांगा। राजस्व निरीक्षक श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव जो तैनात हैं इनके बारे में जहाँ किया गया तो ये बहुत ही रिश्वत खोर कर्मचारी की शिकायत इनकी पाई है। तो आज 12:35 पे इस प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार दीक्षित जो बनारस इकाई के हैं उनके नेतृत्व में टीम ने 20,000 रुपये लेते हुए उन्हें रिश्वत लेते हुए शिकायतकर्ता विनीत कुमार से 20,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ इन्हें पकड़ लिया गया है। सर एक किस काम के लिए ले रहे थे 20,000? ये हैसियत प्रमाण हैसियत का वो प्रमाण पत्र उसी को नहीं बनती है उसी के लिए 20,000।